हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ, और ये कुछ डिफरेंट सा लुक है, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है। सो या विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो यहाँ पे मैं टोनर के लिए गुड वाइब्स का राइस वाटर टोनर यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद गुड वाइब्स का एलो जेल जो मेरे पास है वो वाला यूज़ कर रही हूँ, ये सीरम है। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाजू में नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर क्लिक करना। यहाँ पे मैं प्राइमर के लिए कलर बार का प्राइमर ऑयल ले रही हूँ, और गाइज ये बहुत ही अच्छा है, ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, इससे मेरा मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा था। आप आगे देख सकते हो मुझे ओपन पोर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो या यहाँ पे मैं मेबेलिन फिटमी का पोरलेस मैट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने टी जोन पे। बेस के लिए मैं कफ्स एंड लैशेस का कवर पॉट यूज़ कर रही हूँ इन द शेड न्यू, और उसे मैं सेट करूँगी मेबेलिन फिटमी पाउडर के साथ। यहाँ मैं नायका की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और मैंने गाइस सारे डिटेल और प्रोडक्ट की डिटेल्स और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप प्लीज़ चेक कर लेना एक बार। उसके बाद मैं यहाँ पे निका के की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, ये बर्थडे वेरिएशन वाली जो आई शेडो पैलेट है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली इस पैलेट को लेकर एक आई लुक क्रिएट करना था, सो या आई होप मैंने अच्छा किया है और आप सभी को पसंद आया हो। मस्कारा के लिए मैं मेबेलिन मस्कारा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, यहाँ पे मैं पर्पल की जो कंसीलर पैलेट है वो यूज़ करके उसमें से पीच करेक्टर जो है वो यूज़ कर रही हूँ अंडर माई आईज़ और थोड़ा माउथ के यहाँ पे और नोज़ के साइड पे। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 प्राइम प्लस मैट वाला फाउंडेशन, मेरा शेड है वॉर्म बेज। मैंने पहले गलत शेड लिया था, तो ये वाला मैंने करेक्ट शेड वापस मंगाया है। पहला शेड था वो एक शेड लाइट था, एक या दो शेड लाइट था आई थिंक, वो वॉर्म
क्रीम करके कुछ था, सो या ये वाला शेड मेरे लिए परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ फेस पे, और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा है, आप देख सकते हो। यूजुअली मुझे ये फाउंडेशन इतना पसंद नहीं था क्योंकि इससे मेरे पोर्स और एनहांस होते थे, पर ये आई थिंक प्राइमर की वजह से आप देख सकते हो कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही है और फाउंडेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा है। उसके बाद मैं शुगर की जो लूज पाउडर है बनाना वाली, उससे मैं ये फाउंडेशन सेट कर रही हूँ आईज़ के नीचे और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शाइन हो रही है, जैसे कि चिन एरिया पे और थोड़ा सा फोरहेड एरिया पे, मैं वहाँ पे पाउडर कर रही हूँ। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYBAY के काजल। यहाँ पे मैं निका के की जो बर्थडे पैलेट है उसी में से कलर लेके लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए इनसाइड की जो डुओ कॉन्टोर स्टिक है वो यूज़ कर रही हूँ, पर मुझे इतनी अच्छी, मतलब है अच्छी बट ये ब्लेंड नहीं हो रही थी, आई डोंट नो क्यू। एक्चुअली मुझे पाउडर कॉन्टोरिंग ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो इजीली ब्लेंड हो जाता है, सो ये मेरे लिए थोड़ा अलग था। बट या अगर आपको क्रीम कॉन्टोर चाहिए तो ये एक अच्छा कॉन्टोरिंग ऑप्शन है। तो मेरे से नहीं हो रहा था तो मैंने वो जो दूसरी वाली कंसीलर पैलेट है उसी में से डार्क ब्राउन कलर लेके यहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया और अब देख सकते हैं बहुत इजीली ये ब्लेंड हो रहा था। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक अच्छे कंसीलर पैलेट में तो आप वो वाली ले सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसमें पीच करेक्टर आपको मिल जाएगा, आपको कॉन्टोर शेड मिल जाएगा, आई थिंक उसमें ग्रीन या पर्पल करेक्टर भी है और येलो करेक्टर भी है, तो येलो करेक्टर आप एज बेस भी यूज़ कर सकते। उसके बाद मैं मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट ले रही हूँ डार्क शेड में और जो क्रीम कॉन्टोरिंग मैंने की है उसी पे मैं पाउडर से वो सेट कर रही हूँ। यहाँ पे हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की शुगर हाइलाइटर पैलेट, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पैलेट है और बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है इस पैलेट की। यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो हार्श ना दिखे, मैंने नोज़ पे थोड़ा ज़्यादा लगा लिया सो मैंने वो बाद में थोड़ा टोन डाउन कर दिया ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, फिर भी वो ज़्यादा ही लग रहा था सो डोंट माइंड कैन। उसके बाद मैं यहाँ पे मैक की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, शेड नेम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक करना ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहो। सो या गाइस बाय, टेक केयर।